हे गाइस, इट्स मी अश्विकांत। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट थर्ड, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरेशन। बडिंग इन प्रेजेंट इन यीस्ट, हाइड्रा एंड स्पॉन्जेस। बडिंग इन यीस्ट इज अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। बडिंग के बारे में हम लोग स्ट्रक्चरली आपको पहले समझा दे, फिर डेफिनेशन हम बताएंगे आप लोगों को। बडिंग की पैरेंट सेल होती है, पैरेंट सेल की बात कर रहे हैं। बड इसमें से फॉर्म होती है, बड बिगिंस टू फॉर्म ऑन अ पैरेंट सेल। न्यूक्लियस कॉपीज होते हैं इसमें, न्यूक्लियस कॉपीज एंड डिवाइड, बड रिसीव अ कॉपी। बट नाउ बिकम अ सेपरेट डॉटर सेल, बट सेपरेट हो जाती है, फिर ये न्यू डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर लेती है, जो कि बडिंग प्रोड्यूसर्स चेन ऑफ सेल। इस चेन को हम लोग बोलते हैं टोरुला स्टेज बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन है, व्हेन अ पैरेंट सेल प्रोड्यूसर्स स्मॉल बर्ड्स थ्रू माइटोसिस, माइटोसिस के थ्रू ये स्मॉल बर्ड्स का फॉर्मेशन करती है। दीज बर्ड्स इनिशियली रिमेन अटैच टू द पैरेंट सेल, दीज सेल रिमेन इनिशियली अटैच टू द पैरेंट सेल एंड देन सेपरेट टू डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, एंड देन सेपरेट हो जाती है, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेती है, जिसको हम लोग बडिंग बोलते हैं। ये बडिंग की पूरी प्रोसेस है। बडिंग इन यीस्ट, व्हाइल यीस्ट रिप्रोड्यूस थ्रू बडिंग अदर मेंबर ऑफ फंजाई किंगडम सच एज पेनिसिलियम, रिप्रोडक्शन थ्रू कोनिडिया स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये यीस्ट की जो डायग्राम है वो बुक में मैंने आप लोग देख लीजिएगा, और हाइड्रा का भी और स्पॉन्जेस का भी। हाइड्रा जो होती है, हाइड्रा के फाइलम है सिनिडेरिया और क्लास है हाइड्रोजोआ। ये हाइड्रा जो है वो एक्सटर्नल बडिंग है, जिसको हम लोग एक्सोजेनस बोलते हैं। हाइड्रा पे एक पैरेंट की बॉडी पे एक से ज्यादा भी बड डेवलप हो सकती है। स्पॉन्जेस का फाइलम है पोरीफेरा, इट इज अ इंटरनल बडिंग। स्पॉन्जेस जो है वो इंटरनल बडिंग है, क्योंकि वाटर में, पॉन्ड्स वगैरह में होता है। इट इज अ इंटरनल बडिंग और इंडोजेनस। इंटरनल बर्ड्स इज कॉल्ड गैम्यूल्स। गैम्यूल्स जो होते हैं वही गैम्यूल्स जो न्यू स्पॉन्जेस का फॉर्मेशन करते हैं। गैम्यूल्स गिव राइज टू न्यू स्पॉन्जेस। गैम्यूल्स का शेप होता है स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर विच आर फॉर्म इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन स्पॉन्जेस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। जो स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर है ये न्यू स्पॉन्जेस का फॉर्मेशन करते हैं। दे हेल्प इन स्प्रेडिंग ऑफ स्पॉन्जेस कॉलोनी, और इस गैम्यूलेशन स्पॉन्जेस कॉलोनी बनाने में वर्क करते हैं। फ्रेगमेंटेशन इन प्लानेरिया। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि पैरेंट ब्रेक होते हैं इंटू मल्टीपल पीसेज अनमेच्योरली, ईच ऑफ विच गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल। फ्रेगमेंटेशन ब्रेक होते हैं मैच्योरली, और फिर वो न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेते हैं जो पीसेस ब्रेक होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है फ्रेगमेंटेशन, हैविंग सिंपल स्ट्रक्चर। स्पायरोगायरा प्लांट फाउंड इन वाटर, ये प्लांट है जो कि वाटर में प्रेजेंट होता है, मिलता है। सी एनिमनी जो कि एनिमल है, ये भी वाटर में ही मिलता है, फाउंड इन। ये फ्रेगमेंटेशन का डायग्राम मैंने बनाया है कि फ्रेगमेंटेशन का ये डायग्राम है, जो कि ब्रेक होगा, पैरेंट्स ब्रेक होगा तो फिर न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, क्योंकि मल्टी सेलुलर। रीजनरेशन हाइड्रा प्लेटफॉर्म टेप वॉर्म। रीजनरेशन जो प्रेजेंट इन हाइड्रा प्लेटफॉर्म एंड टेप वॉर्म, इट इज अ रीग्रोथ इन इंजर्ड रीजन ऑफ द बॉडी। ये रीग्रोथ हो जाते हैं अपने आप ही, जो जहाँ पे अगर कट वट जाता है तो ये अपने आप ही रीग्रोथ कर लेते हैं उस इंजर्ड रीजन में। इट इज ऑफ टू टाइप, एपिमॉर्फोसिस और मॉर्फोलैक्सिस। एपिमॉर्फोसिस जो होते हैं वो सेल का डी डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और जो मॉर्फोसिस होते हैं वो स्मॉल नंबर ऑफ सेल द एंटायर बॉडी कैन बी फॉर्म, जो वो स्मॉल नंबर ऑफ सेल से ही पूरे बॉडी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे एपिमॉर्फोसिस है वो सेल का डिफ्रेंशिएशन करता है। जैसे ये लिम्ब है, लिम्ब ये इंजर्ड रीजन है, ये ब्लास्टिमा का हो गया, ये ब्लास्टिमा ये सेल का डिफरेंशिएशन करके पूरा लिम्स बना लेगा। अब बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर आर माइन्यूट सिंगल सेल थिक और थिन वॉल प्रोपोग्यूल्स। पता नहीं है, वैसे अगर पता भी है तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। प्रोपोग्यूल्स आर प्लांट पार्ट सच एज अ बड दैट बिकम डिटैच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्लांट एंड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। बडिंग की तरीके से ये है कि रेस्ट में रहता है, फिर ये बड की तरह एक न्यू पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रो होता है और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है, स्पोर फॉर्मेशन। इट इज अ कॉमन इन मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई एंड एल्गी। ये कॉमन है मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई एंड एल्गी में स्पोर फॉर्मेशन।
मोटाइल स्पोर्स आर कॉल्ड जूस्पोर्स यूलोथ्रिक्स एंड एल्बिंगो में प्रेजेंट होते हैं। और नॉन मोटाइल स्पोर्स आर कॉल्ड एप्लानोस्पोर्स जो कि कोनिडियन पेनिसिलियम में प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू गाइस, आगे का पढ़ेंगे हम पार्ट 4 जिसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ेंगे।